गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं इस वक्त किचन क्लीन कर रही हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सबको क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद मैंने ये चाय चढ़ाया अपने लिए, एक कप। सुबह सुबह चाय पीने में मज़ा आता है। फिर ये चीनी, चाय पत्ती डाला। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपनी चाय छान लूँगी। उसके बाद मैं टुक टुक के लिए दूध इसी भगोने में चढ़ा दूँगी, और दूसरे गैस पे मैंने दूध ताज़ा लिया हुआ है वो चढ़ाया हुआ है। तो मैं जब टुक टुक को दूध देती हूँ तो हल्का गर्म करके देती हूँ। मैंने गिलास में निकाल लिया और हम थोड़ी सी चीनी मिलाती हूँ। फिर मैं चीनी मिला के उसे ठंडा करती हूँ दूध, क्योंकि मैं गर्म है दूध। उसके बाद मैं टुक टुक दूध दी हूँ। इधर मैं बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि चाय वगैरह के बर्तन थे, मैंने सोचा क्लीन कर दूँ। फिर मैंने बर्तन रखा अच्छे से। तो रिद्धि आ गई। रिद्धि ने कहा मामा मैंगो शेक पीना है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो सुबह सुबह नाश्ते में मैंगो शेक हो जाए, दूध हो जाए। तो फिर ये मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। आम छील रही हूँ, 2 आम लिया है मैंने, और ये ठंडाई पाउडर है। बॉटल में पानी है और दूध मैंने ऐसे ही एक गिलास उठा के भगोने से डाल दिया था। तो इधर बीच में रिद्धि आकर के बार बार बोल रही है मम्मा जल्दी करो, बहुत मन कर रहा है पीने का। तो मैं इधर मिक्सी मसीन ली, उसमें मैंगो डाला मैंने। आप वैसे मैंने ये रेसिपी डाली हुई है मैंगो शेक बनाने का। तो ये मैंगो शेक मैं बना रही हूँ। सच्ची मानी दोस्तों, ठंडाई पाउडर डालने से मैंगो शेक बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा ये, मैं बादाम और काजू क्रश कर रही थी ताकि लास्ट में मैं मैंगो शेक के ऊपर ग्लास पे डाल सकूँ। तो दीजिए फ्रेंड्स, मेरा मैंगो शेक रेडी है, तो मैं लेके जा। फ्रेंड्स, ये टुक टुक को बुक्स दिखा रहे हैं, टुक के साथ वो इंजॉय कर। कैसे हैं आप सब? मेरा सारा काम हो गया है और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो इस समय समय हो रहा है 1 बज गए हैं, और बच्चे भी लंच कर चुके हैं और हम भी खाना खा चुके हैं। आज फ्रेंड्स हमारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। मैं आपसे क्या बताऊँ, कितनी ज़्यादा दिक्कतें, कितनी ज़्यादा दिक्कतें। जैसे एक होता है, एक बल में हिम्मत हार जाता है इंसान, वो वाला कंडीशन होने लग गया है। अभी तक तो अपने रूम में कुछ ना कुछ लगा था, कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब, कभी कुछ। मेरा कूलर भी जला हुआ है। अब ये पुलिस लाइन का जो मोटर होता है मेन, यहाँ जिससे पानी सप्लाई होता है, कुछ बिल्डिंग है जहाँ पे, मतलब समरसेबुल, लेकिन कुछ जगह समरसेबुल लगा हुआ है कुछ बिल्डिंग्स में, लेकिन मेरी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें समरसेबुल नहीं लगा है। जो मोटर यहाँ पे पुलिस लाइन में मेन है, तो उसी से ही पानी हम लोगों का आता है। तो आज वो मोटर भी जल गया, जिससे कल शाम से हमें पानी नहीं मिला है। जो पानी सेव करके रखा था वही पानी से काम चल रहा है अभी भी दोस्तों। लेकिन सुनने में आया है कि मोटर बन के आ गया है और फिट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। भगवान भरोसे है कि शाम में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हैंडपाइप से भरना पड़ेगा, जो भी रीजन है फ्रेंड्स आपको क्या बताएं। बाकी एक मोटर मैं आपको बयान नहीं कर पाई, मेरे पास 2 बेबी हैं, तो आप समझ सकते हैं पानी कितना जरूरत पड़ता है पानी का। और दूसरा रीजन ये है कि पानी का महत्व तब हमें समझ में आता है जब हमारे पास पानी कम होता है। जैसे आप देखिए, मोटर खराब हो गया, पानी कम है, 1 बाल्टी पानी है तो उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, आधी बाल्टी में सब करना पड़ेगा। तो फिर ये होता है भैया पानी मत खराब करो, पानी जितना है ज्यादा से ज्यादा सेव करो, थोड़ा थोड़ा यूज करो। और जब किसी को पानी ढेर सारा मिलता है तो इंसान धड़ाधूर यूज करता है कि पानी गिरा दो फिर दूसरा ले लो वाला। तो पानी को सेव करिए, पानी बहुत महत्व है पानी का हमारी लाइफ में। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा वेस्ट पानी मत करिए, क्योंकि आजकल तो पहले से बताते थे कि ज्यादा गड्ढा नहीं करना पड़ता था, पानी मिल जाता था। आज पता नहीं कहता है तब भी पानी नहीं मिलता है, कई जगह ऐसा होता है, रियल में बताऊं तो फ्रेंड्स। और मैं क्या आपको बताऊं, यही चल रही है लाइफ, इसी का नाम है जिंदगी, कभी लाइफ में उतार कभी चढ़ाव। और फ्रेंड्स, हमारे जो ब्लॉग हैं उसमें आपको रियलिटी सब दिखेगा, जो मेरे घर में है आपको वही दिखाती हूँ मैं कुछ बनावटी चीजें नहीं दिखाती हूँ। जैसे मैं रहती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ ट्रिप करती हूँ, वैसे ही मैं रहती हूँ। जो मेरे घर की इस कमरे की ओरिजिनलिटी वही मैं पेश करती हूँ आप लोगों के सामने, वही मैं दिखाती हूँ।
हाँ इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट ये सरकारी कमरा है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी चेंज कर लो सरकारी क्वार्टर सरकारी ही रहते हैं। और पुलिस लाइन के तो जितने क्वार्टर, मेरा तो कुछ ठीक भी है, और उधर बिल्डिंगों में जाएंगे तो इतना सीलन, ऊपर ऊपर छतों पे भी सीलन इतना ज्यादा। हाँ लेकिन थर्ड फ्लोर के जो होते हैं इसमें कमरे, वो अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर देखिए डायरेक्ट छत रहता है तो पानी गिरता नहीं है, बस बरसात में ही दिक्कत जो होनी रहती होती, बाकी उन लोगों के रूम में मतलब उतना सीलन आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, हम मिडिल क्लास के हैं, मेरे पति के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मेरे ससुराल में आपको यकीन नहीं होगा 27 पर्सन है, हम लोग अभी ज्वाइंट फैमिली में है, मेरे चार ससुर हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके बहू, समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो और मेरे पर्सनल खुद मैं झूठी बोलूंगी, मेरे हस्बैंड खुद 3 भाई हैं, 5 बहन हैं, तो सबकी शादी हो गई है, लेकिन अभी देवर मेरे हैं, 2 बच्चे हैं, और कमाने वाला सिर्फ मेरा एक हस्बैंड ही है। बाकी मेरे ससुर जी, तीनों ससुर मिलके किसानी करते हैं, बाकी जो देवर हैं 2 वो पढ़ रहे हैं, और एक छोटी ननंद है। बाकी जब मेरे फ्रेंड, मेरे हस्बैंड को जब जॉब लगी थी तभी मेरी नंदों की शादी हुई है, तो जब सारी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड पे ही है, तो कितना हम लोग कर पाए ये आपको हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप हमें पैदा करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, चाहे चाचा ही चाची हो, तो एक उम्मीद रखते हैं कि बच्चा मेरे लिए कुछ करे, इस घर के लिए करे, अपने भाई बहनों के लिए करे, ऐसे इंसान तो मुंह मोड़ नहीं सकता है ना। तो मैं भी ये कहती हूँ कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए, अपनी फैमिली को ध्यान दीजिए, जो जरूरतें हैं उनकी पूरी करिए, इस वजह से भी फ्रेंड्स उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, थोड़ी सी आर्थिक स्थितियाँ डगमगाती रहती हैं, कभी पैसे रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। बाकी पूरी कोशिश करती हूँ कि सब चीज हो जाए, अपना भी वक्त बदलेगा, सोचती हूँ सब ठीक हो जाएगा अंदर से। जब मैं हारती रहती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं ये सोचती हूँ अंदर से कि अपने अंदर से खुद कहती हूँ नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो यही है, बच्ची मेरी छोटी वाली सो रही है, बड़ी वाली है। हाँ मैं अगर ये वीडियो बनाती हूँ या ब्लॉग बनाती तो आपको लगता है मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देती हूँ। हाँ डांटती भी हूँ अगर बच्चे गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं अपनी छोटी वाली बिटिया को समय समय पर दूध देती हूँ, हर 1 घंटे में मैं आधा बॉटल इतना दूध जरूर देती हूँ हर 1 घंटे पे। और खाना मैं दिन में 4 बार उसे खिलाती हूँ, खेल के खिलौने, मतलब खिलौने वगैरह प्राइस वगैरह दे करके बीच बीच में खिला देती हूँ ऐसे। तो ये मत जरूर, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अपना काम अपनी चीजें सब अपनी जगह है, लेकिन बच्चों की केयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल रहती है। तो फ्रेंड्स यही कहना था आपसे, आज मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, अपने दिल हल्का करके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। प्लस आप लोग मेरा अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बस यहाँ मैं रिद्धि को पढ़ा रही हूँ, शाम के 4 बज गए हैं, 1 घंटे बस मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि इनके टेस्ट होने वाले हैं, उसी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। फ्रेंड्स टुक टुक उठ गई हैं, तो इनको मैं खाना खिला रही हूँ, इस तरह वो टीवी एंजॉय कर रही हैं, टीवी देखते देखते। इधर शाम को मैं बच्चों को पार्क ले गई हूँ, बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे हैं।